आज हम आप लोगों को फाइलम एस्केलेमेंथिस के बारे में बताएंगे। फाइलम एस्केलेमेंथिस में जो आज पढ़ना है आपको एस्केरिस के बारे में, क्या पढ़ना है? एस्केरिस के बारे में, ठीक है। जो इंडिया में पाया जाता है मोस्ट कॉमन एस्केरिस है, उसका नाम है क्या? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वर्म। कॉमनली क्या कहेंगे? राउंड वर्म। एस्केरिस जो होता है ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट। एस्केरिस कैसा है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब ये हुआ ये अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट करता है। अपनी लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करेगा? एक होस्ट। और इसका जो होस्ट है वो कौन है? मैन। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, वो कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वर्म। ये इंडो पैरासाइट है ह्यूमन बींग का। और एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है जो अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब ये हुआ कि मेल फीमेल एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। इसमें मेल और फीमेल को देखा जाए, अगर मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस को देखा जाए तो क्या हो जाते हैं? दोनों आपस में एक्सटर्नली देख के ही डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जो मेल एस्केरिस होता है, इसको देखिए, मेल एस्केरिस जो होगा वो शॉर्टर और ब्रॉडर होगा, फीमेल एस्केरिस जो होगा वो लॉन्गर होगा और थिनर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेल एस्केरिस होता है उसका पोस्टीरियर एंड कर्व होता है और फीमेल एस्केरिस का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेल एस्केरिस में पोस्टीरियर एंड पे क्लोइका पाया जाता है, जबकि फीमेल एस्केरिस में पोस्टीरियर एंड पे एनस पाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है कि मेल एस्केरिस में जो पोस्टीरियर एंड मुड़ा होता है वहां पे दो थाली जैसी रचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पीनियल सीटी। और पीनियल सीटी की सहायता से ये कॉपुलेशन का कार्य करता है। मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है कि माउथ पाया जाता है और माउथ के नीचे एक पोर पाया जाता है, उसे कहते हैं स्क्रिटरी पोर। माउथ के नीचे जो पोर पाया उसे क्या कहेंगे? स्क्रिटरी पोर। फीमेल में स्क्रिटरी पोर के नीचे एक और पोर पाया जाएगा, उसे कहते हैं जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर को कॉमनली वल्बा भी कहते हैं। जेनाइटल पोर को कॉमनली क्या कहेंगे? वल्बा भी कहते हैं। अगर इसके माउथ को देखा जाए, ठीक है, फीमेल एस्केरिस या मेल एस्केरिस के माउथ को देखा जाए तो इसका जो माउथ होता है ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ये देखिए, माउथ कैसा है? ट्रायंगुलर शेप। और माउथ में तीन लिप पाए जाते हैं, एक डार्सल लिप और दो वेंट्रल लिप। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका माउथ जो होता है एस्केरिस का तीनों तरफ से लिप के द्वारा घिरा होता है। एक डार्सल लिप पाया जाता है और दो डार्सो वेंट्रोलेटरल लिप पाए जाते हैं। वेंट्रोलेटरल लिप और डार्सल लिप में कुछ सेंसरी पैपिला पाए जाते हैं, ठीक है। सेंसरी पैपिला के द्वारा सेंस किसी चीज का अनुभव करता है। सेंसरी पैपिला जो वेंट्रोलेटरल साइड में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फिड्स। इसमें जो सेंसरी पैपिला पाए जाते हैं एस्केरिस में वो एम्फिड्स है, फैजमिड है और पैपली है। ये सब सेंसरी ऑर्गन इसमें है, ठीक है ना। तो वेंट्रोलेटरल साइड में जो पैपिला पाया जा रहे हैं उसका क्या नाम है? जो सेंस ऑर्गन पाया जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एम्फिड्स है। एम्फिड्स जो होता है कीमोरिसेप्टर होता है। किस नेचर का होता है? कीमोरिसेप्टर नेचर का होता है। एम्फिड कीमोरिसेप्टर होता है, किसी भी केमिकल के बारे में स्टिमुलस प्रदान करता है। अगर एस्केरिस के माउथ के लोअर पार्ट को देखें या वेंट्रोलेटरल साइड को देखें तो इस पे देखते हैं बाहर की तरफ डेंटिकुलर पार्ट पाया है। कैसा पार्ट पाया जाता है? डेंटिकुलर लिप पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्केरिस का। एस्केरिस में जो माउथ में वेंट्रल लिप होता है, वेंट्रोलेटरल लिप होता है, वहां डेंटिकुलर लिप पाए जाते हैं। अगर मेल एस्केरिस के पोस्टीरियर पार्ट को देखें तो पोस्टीरियर पार्ट में क्लोइका के दोनों तरफ पैपली पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ प्री कैबल पैपली और नीचे की तरफ पोस्ट कैबल पैपली पाए जाते हैं। जो मेल में पैपली पाए जाते हैं वो फीमेल में अब्सेंट होते हैं। इस पैपली की सहायता से ये कॉपुलेशन में भाग पैपली की सहायता कॉपुलेशन में होता है। पैपली की सहायता से मेल फीमेल एस्केरिस को पकड़ता है। अगला चीज देखिए,
ये तो हो गया इनके एक कॉमन बॉडी पार्ट के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके हम आ जाते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। अगर इसके बॉडी कैविटी की बात की जाए, बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में, बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में, तो इसमें जो बॉडी कैविटी पाई जाती है स्यूडो सीलोम टाइप पाई जाती है। कैसी पाई जाएगी? स्यूडो सीलोम टाइप। इसकी बॉडी कैविटी जो होती है क्या होती है? स्यूडो सीलोम होती है। क्यों स्यूडो सीलोम कहते हैं? इसलिए स्यूडो सीलोम कहते हैं क्योंकि ये जो कैविटी होती है वो ब्लास्टोसील से बनी होती है। जब कैविटी मेसोडर्म से बनती है तो उसे ट्रू कैविटी कहते हैं, और जब कैविटी ब्लास्टोसील से बनती है तो उसे क्या कहते हैं? सीडोसील कैविटी, सीडोसील कैविटी, सीडोसीलोम या सीडोसील कैविटी। इसकी कैविटी किससे बनी है? ब्लास्टोसील से। इससे डिराइव हुई ब्लास्टोसील से, तो बॉडी कैविटी हो गई। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट यह है कि मेल फीमेल स्कैरिस में इसमें देखा जाता है नंबर ऑफ सेल्स की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स की संख्या जो होती है फिक्स्ड होती है। जब नंबर ऑफ सेल्स की संख्या स्कैरिस में फिक्स्ड होती है इस प्रोसेस को कहते हैं यूटेली। क्या कहेंगे इसको? यूटेली। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इसको क्या कहेंगे? यूटेली। जब मेल फीमेल की संख्या क्या होगी? फिक्स होगी, तो इसे क्या कहेंगे? यूटेली। अगला चीज देखिए, बॉडी कैविटी के बाद अगर हम बॉडी इसमें बॉडी वॉल की बात करते हैं, बॉडी वॉल की बात करें तो ये पिप्लोब्लास्टिक होता है। तीन लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर इसके बॉडी वॉल को देखें तो इसके बॉडी वॉल को तीन भागों में बांटा जाता है, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस मस्कुलर। अगर बॉडी वॉल की बात करें तो इसमें इसकी बॉडी वॉल कितने भागों में बांट देते हैं? तीन पार्ट में बांटते हैं, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल जो होता है परमोस्ट पार्ट होता है, जो थिक लेयर होता है, और ये एंटी एंजाइम का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करेगा? एंटी एंजाइम। क्यूटिकल एंटी एंजाइम का सिक्रीशन करता है, थिक वाल होता है जिससे ये होस्ट के एंजाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। हाइपोडर्मिस जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हाइपोडर्मिस क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इस तरह के एपिडर्मिस को सिंसाइटियल एपिडर्मिस कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जब हाइपोडर्मिस होगा इसे क्या, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सिंसाइटियल। और इसमें जो मस्कुलर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। सिर्फ एक ही मस्कुलर लेयर पाया था, कौन सा पाया था? लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर। तो इस प्रकार हम देखते हैं बॉडी वॉल को तीन पार्ट में बांटा गया, क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल जो होती है उसमें भी कई लेयर सब लेयर पाई जाती है, ठीक है। उसमें जो सब लेयर है वो उनकी संख्या पांच होती है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन करना यहाँ ठीक नहीं है। बॉडी वॉल के बाद अगला हम आते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और डाइजेशन की। अगर न्यूट्रिशन और डाइजेशन को देखा जाए तो एक इंडो पैरासाइट होता है। कैसा होता है? इंडो पैरासाइट होता है। और अगर इंडो पैरासाइट होगा तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो पैरासिटिक टाइप होगा।
ये इंडो पैरासाइट होता है। किसके अंदर इंडो पैरासाइट होता है? ह्यूमन के अंदर होता है। और ह्यूमन के अंदर इंडो पैरासाइट है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा इसका है? पैरासिटिक टाइप। और पैरासिटिक टाइप है तो ये न्यूट्रिशन जो लेता है वो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है। और यहां से जो न्यूट्रिशन लेगा तो न्यूट्रिशन क्या लेगा? काइम। न्यूट्रिशन क्या लेगा? काइम। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के बाद अगर डाइजेशन न्यूट्रिशन के बाद अगर हम देखते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं होता, अब्सेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होगा इसमें? अब्सेंट होगा। ये जनरली एनएरोबिक होता है, लेकिन अगर इसको एरोबिक कंडीशन मिले तो ये एरोब्स के रूप में भी सर्वाइव करता है। अगला हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव के पहले हम एक और सिस्टम देख लेते हैं, सेक्रेटरी सिस्टम। अगर इस एस्केरिस के सेक्रेटरी सिस्टम को देखा जाए तो वेल डेवलप्ड रीनेट सेल्स होती है। सेक्रेटरी सिस्टम में क्या होगा? वेल डेवलप्ड रीनेट सेल्स। रीनेट सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? एच शेप। इसे प्रोटोनिफ्लीडिया भी कहते हैं। रीनेट सेल, या इसी को क्या कहेंगे? प्रोटोनिफ्लीडिया। या इसी को हम कह सकते हैं प्रोटोनिफ्लीडिया। तो इसमें स्क्रीशन जो होगा वो ऐसे सब सेम सेल से होगा, इसे क्या कहते हैं? रीनेट सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। अब हम बात करते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो सेपरेट होता है। क्योंकि मेल फीमेल सेपरेट होते हैं इसलिए मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेपरेट होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो मेल में सिंगल टेस्टिस पाई जाती है, सिर्फ एक टेस्टिस पाई जाती है। तो जब एक टेस्टिस पाई जाती है, सिंगल टेस्टिस पाई जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोडेल्फी। जब एक टेस्टिस पाया जाएगी तो इस कंडीशन क्या कहेंगे? मोनोडेल्फी। और चूंकि टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है इसलिए ऐसे टेस्टिस को टीलोगोनिक भी कहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं मेल एस्केरिस में जो टेस्टिस होगी कितनी होगी? एक होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोडेल्फिक। इस कंडीशन क्या कहेंगे? मोनोडेल्फिक कंडीशन। चूंकि टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है इसलिए इस कंडीशन क्या कहते हैं? टीलोगोनिक। अगर हम फीमेल को देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, और एक चीज और देखते हैं, अगर इसमें हम स्पर्म देखते हैं तो स्पर्म जो होता है अमीबॉइड होता है। मेल में अगर स्पर्म को देखते हैं तो स्पर्म क्या होगा? नॉन मोटाइल एंड अमीबॉइड डल इन सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पर्म में हो या मेल गैमेट जो होगा क्या होगा? नॉन मोटाइल और अमीबॉइडल सेल का। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो इसमें दो ओवरी पाई जाती है। ये दो ओवरी पाई जा रही है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइडेल्फिक। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डाइडेल्फिक। और चूंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहां भी क्या होता है, सिर्फ एंटीरियर पार्ट फंक्शनल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीलोगोनिक। एंटीरियर पार्ट फंक्शन होगा इसलिए यहां भी क्या कहेंगे, टीलोगोनिक। ये तो हो गया एक डिटेल एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस की कुछ स्पीसीज और पाई जाती है, उनके बारे में बता देते हैं। तो डिटेल एस्केरिस के बारे में हो गया, कुछ स्पीसीज जो एस्केरिस की और पाई जा रही है उनके बारे में देखिए। एस्केरिस की एक स्पीसीज है, एक जीनस है, रैपडाइड्स। एस्केरिस का पहला जो जीनस वो क्या है, रैपडाइड्स। रैपडाइड्स जो होते हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। रैपडाइड्स कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे। रैपडाइड जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, पांच होती है। जितने भी एस्केलेंथिस को देखा जाए उसमें सबसे ज्यादा मेंबर अगर किसी पाए जा रहे हैं तो रैपडाइड्स पाए जाते हैं। रैपडाइड्स में एक है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस, सी एलिगेंस जो होता है वो यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में। दूसरा देखिए, एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा जो होता है इसको कॉमनली कहा जाता है हुकवर। एनसाइलोस्टोमा को कॉमनली क्या कहा जाएगा, हुकवर। और इसका जो लार्वा होता है वो फिलीफॉर्म लार्वा होता है। तीसरा देखिए इसका मेंबर, तीसरा जीनस है इंट्रोबियस। इंट्रोबियस, इंट्रोबियस को क्या कहा जाता है, इंट्रोबियस को कॉमनली कहा जाता है पिनवर्म, या इसी को कहा जाएगा थ्रेडवर्म, या इसी को कहा जाएगा सीडवर्म। अगला देख लीजिए, अगला जो है इसमें इंट्रोबियस के बाद ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस को कॉमनली कहते हैं दुनिया भर। क्या कहते हैं इसको, दुनिया भर। दुनिया भर में प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मैन होगा और सेकेंडरी होस्ट जो होगा इसमें वो साइक्लोप्स होगा। सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, साइक्लोप्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक और बचता है उसको भी जरा देख लेते हैं, लास्ट जो है इसका उचनेरिया। उचनेरिया, उचनेरिया को कॉमनली कहते हैं फाइलेरियल वर्म। उचनेरिया को क्या कॉमनली कहा था, फाइलेरियल वर्म। ये भी एक डाइजेंटिक पैरासाइट है, इसमें भी दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स या एडीज मॉस्किटो होते हैं।
प्राइमरी होस्ट हो गया मैन और सेकेंडरी होस्ट हो गया क्यूलेक्स या एडीज। तो इस प्रकार हम पूरा आज एक डिटेल एस्केरिस के बारे में देखें। अब अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका डिटेल होगा उसमें फाइलेरियल वर्म कुछ एरिया के बारे में।